बच्चों, आज के सेकंड लेक्चर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन, प्रिंसिपल ऑफ पैरल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज डिफरेंट पोजिशन में। ठीक है, तो फिर से एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ये आपने देखे होंगे कि सेंटर ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी मास होते हैं उनका डिस्टेंस हम काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने आई इक्वल्स टू क्या लिए हैं, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये पर्टिकुलर एक सिंगल मास के लिए है, और अगर हम कैपिटल एम आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स ये हमने पूरे मासेस का एडिशन और उनके जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर लिया है। तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके पास फार्मूला हमने डिराइव किए थे लास्ट वीडियो में। नाउ हेयर कंसिडर कि बहुत सारे मास हैं और ये सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ से ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस क्या होगा। मतलब इस पे से ये बात समझ में आ रही है हमारे कि जितना ये सेंटर ऑफ एक्सिस, जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं, एक्सिस रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे जितना ज़्यादा दूर डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दैट मीन्स सपोज करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है। इन दिस सिचुएशन आई टू इज़ ग्रेटर देन आई वन, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज़ ग्रेटर देन दिस, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ मासेज आर एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दूर होते जा रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, और उसमें हमने एक फार्मूला, जब कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला हमने लिए थे इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। डी एम इज द पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट मास अलॉन्ग अ रॉड। अगर हम एक रिंग कंसिडर करते हैं, उसको स्ट्रेट करते हैं, तो ये सपोज करो कि एक रॉड के फॉर्म में आ गई यहाँ पर, उस पर एक पर्टिकुलर एक छोटा सा मास हमने कंसिडर किए थे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो उसका हमने आर लिए। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मास कंसिडर किए, जिसका हमें, यानी हर एक मास जो है अलग अलग है ना, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस इस पोजीशन में वो जब डिफरेंट है, उसके हमें नोन नहीं है, सेम पोजीशन पे नहीं है, तो ये हम उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया था। और इजीली एक और डायग्राम से हम और इजीली समझ सकते हैं। नाउ देखिए, अब रॉड ही है बट इसे हमने इस पोजीशन पे होल्ड किए, ठीक है, और एक रॉड को हमने इस पोजीशन पे होल्ड किए, और ये दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके मिडल से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे मासेस जो है इसके, इनका डिस्टेंस और इसके मासेस का डिस्टेंस इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। मतलब जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से नज़दीक रहेगा मास उतना इजीली ये घूमेगा, मतलब उतना कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसका मोमेंट, मतलब सपोज फिर से अगेन ये आई टू है और ये अगर आई वन है देन आई टू हियर ऑल्सो ग्रेटर देन आई वन, बिकॉज इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का वो बहुत नज़दीक नज़दीक है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और इसका दूर है। आई थिंक अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है करके। चलिए अब आगे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। व्हाट इज डिस्क? डिस्क इज टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। ये क्या है? एक टू डायमेंशनल है, ऑब्वियसली एक रिंग, रिंग को अगर हमने बहुत सारे रिंग्स एक साथ अटैच किए तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एक डिस्क फॉर्म हो जाएगा। और एज द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? यूनिफॉर्मली, ये भी एक वजह है इसको यूनिफॉर्म डिस्क बोलने के लिए कि उसके मास जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया जो का फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। ठीक है, अब वापस ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक डिस्क, और डिस्क को अच्छी तरह समझने के लिए आपने सीडी, जो सीडी ड्राइव जो रहती है अपनी, वो भी एक फॉर्म ऑफ डिस्क है, बहुत पतली सी होती है लेकिन बहुत सारे रिंग्स फॉर्म करती है। और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपने पास होता है, जहाँ मास का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमने फाइंड आउट किए थे एम आर स्क्वायर। ओके, नाउ हमें आज फाइंड आउट करना है एक डिस्क, अगर जो पूरी फिलअप है पूरे मास से और बहुत सारे रिंग से जो बन के एक डिस्क फॉर्म हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले एक रिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ से उसका एक सेंटर ऑफ एक्सिस पास हो रहा है और यहाँ एक मास है, यहाँ से उसका डिस्टेंस हमने लिए थे आर, और ये बहुत सारे मास का जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर रिंग पर, यहाँ इधर एक सेम डिस्टेंस पे, ये भी एक रिंग है, ये हॉलो है बीच में से,
और ये हर एक का आर 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 हमने एडिशन करके फॉर्म किए थे ये वाला फॉर्मूला। अब इसी रिंग को अगर हम स्ट्रेट कर दें तो वो एक रॉड के फॉर्म में आ जाएगा इस टाइप। अब इसका जो एरिया होगा एक पर्टिकुलर छोटा सा, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे मासेस अगर हम ले रहे हैं, इस मास का एरिया, यहाँ के मास का एरिया, यहाँ, तो ये स्मॉलेस्ट एरिया डी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मास है ये एक रिंग फॉर्म हो रहा है, मतलब ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम उसके ये जो सर्कमफ्रेंस है उसके अलोंग का देख रहे हो, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 पाई आर डी आर, एरिया ऑफ दिस रिंग, एक पर्टिकुलर रिंग के जो मास है उसका एरिया जो है वो आ जाएगा 2 पाई आर डी आर। ओके, नाउ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए सबसे पहले तो उसका एरिया कंसिडर कर रहे हैं, सिग्मा जो दिया हुआ डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। नाउ डिस्क इज अ सर्कुलर शेप, एक सर्कल शेप में है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसे स्मॉलेस्ट मास के लिए, ये हो गया सिग्मा की वैल्यू आपकी, ये पर्टिकुलर एक सिग्मा की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब हम एक स्मॉलेस्ट मास अगर कंसिडर करते हो तो हमारे पास इसी फॉर्मूले पर से वी गेट डी एम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। और उस स्मॉलेस्ट मास के लिए हमने अभी फॉर्मूला बनाया एरिया का, 2 पाई आर डी आर। नाउ सिग्मा फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस वन वी गेट एम इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस 2 पाई आर डी आर, दिस कॉन्स्टेंट पाई गेट कैंसल, वी गेट 2 एम अपॉन ये आर स्क्वायर। अगर हमने पूरे मास का एडिशन लिए अगर, तो ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर और ये आर डी आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम, ठीक है। ये आगे यूज होगी इसलिए हमने इसे अलग से निकाल के रख दिया। नाउ वी नो डैट आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये तो पता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। नाउ डी आई मतलब वो इस स्मॉलेस्ट मास का जो स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा डी आई डी आई, और ये हो जाएगा डी एम, और ये होगा आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कहाँ से आया ये डी आई, ये इसका स्मॉलेस्ट मास, ये स्मॉलेस्ट इनर्शिया, और ये स्मॉलेस्ट एक डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ डी एम की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया दिस इक्वेशन नंबर 2 से, उसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए, 2 एम आर स्क्वायर दिस आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, वी गेट 2 एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस बिकम आर क्यूब डी आर। नाउ वी नो डैट कि हमें क्या करना है अभी से, इंटीग्रेट टोटल, इंटीग्रेट टोटल मोमेंट ऑफ सभी मासेस का, अगर इंटीग्रेशन सभी मासेस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वी वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, देन आई इक्वल्स टू दिस 2 एम अपॉन आर स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस बिकम आर क्यूब डी आर। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल कंडीशन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा मैथ्स के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये 2 एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड वॉट अबाउट दिस इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स, वी गेट एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है आर और एन की वैल्यू है 3, अगर हम पुट करते हैं तो वी गेट आर अपॉन 4 अपॉन 4, ये आ गया आपका, और इसकी लिमिट पॉइंट थी आर का डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ से जीरो डिस्टेंस से आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू आर तक हमें निकालना था सारे मासेस का जो निकालना है, तो जो आर इक्वल टू जीरो डिस्टेंस पे है वहाँ से लेके आर इक्वल टू आर डिस्टेंस पे जितने मास डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ तक, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट आएंगी 0 to r, दैट मीन्स 0 to r इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 2 एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 कॉन्स्टेंट टर्म हमने बाहर लेकर आ गए। अब यहाँ पे अगर ए टू बी रहता है कोई भी इस टर्म को, एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू बी, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में जो आंसर आता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है सारा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के लिए ही। फिजिक्स जो है इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हैं फिर, कि मैथ्स यूज़ होना ही है आपका, अगर मैथमेटिक्स है तो आप इजीली ये डेरिवेशन इजीली समझ सकते हो, अदरवाइज ये कंसिडर कर लो कि अगर ये ऐसा आता है तो ये फार्मूला है, और
इस कंडीशन में अगर लिमिट पॉइंट्स है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ फोर तो कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अब अपर लिमिट आर जो है वो पुट करो इस आर की जगह, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर फोर माइनस, यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो पावर फोर मीन्स जीरो। ठीक है, नाउ दिस टू वन टू टू वी गेट एम अपॉन टू आर स्क्वायर एंड दिस आर टू द पावर फोर। अब यहाँ से जो है टू आर जो है वो कैंसिल हो गया, वी गेट आई इक्वल्स टू वन बाय टू एम आर स्क्वायर। जो हमें फाइंड आउट करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो हॉलो होती है वो है एम आर स्क्वायर, और एक डिस्क का जो पूरी मासे से रिंग से जो मिलके बनती है वो क्या होती है डिस्क। तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, मीन्स इसके कंपेयर में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया। यस, या आप सोचोगे कि ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, कि ये हो गया डिस्क है, सिंपल सा डिस्क है, यहाँ मासेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। और एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो ये आपको लर्न रखना है यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, जिसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं हमें, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन एज ए मेजर ऑफ द वे इन विच द मास ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड अ क्वांटिटी कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। एक सिंपल वर्ड में रेडियस ऑफ गायरेशन समझना है अगर, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है उसकी, कि जहाँ से हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो होता है मास का, ये हम अगर काउंट कर रहे हैं तो उसे ही कहते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब ये आर इज नथिंग बट इक्वल टू के, और इसे किसे डिनोट करते हैं, के से। ये मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जो होता है वो होता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ से वो रोटेट कर रहा है मास, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं कि एक इफ वोल मास ऑफ अ बॉडी, इफ वोल मास एम ऑफ द बॉडी इज एट रेडियल डिस्टेंस के, इफ वोल मास ऑफ एम ऑफ द बॉडी इज एट रेडियल डिस्टेंस के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। मतलब इस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये जो है बॉडी है हर एक मास, यहाँ से इसका डिस्टेंस के, यहाँ से इसका डिस्टेंस के, तो ये उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रिमेन सेम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स ये हो रहा है कि इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट एक साथ है, ऐसे कोई रिजिड बॉडी नहीं है कि कभी मास इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। ये एक रिंग फॉर्म है जिसका मास, ये मास अगर रोटेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसका ऑलवेज जो रेडियस है वो कैसा होगा, सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो उसका ये जो रेडियस है उसको डिनोट किससे करें हमने, के से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, सेम है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी के को कहते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब के नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आ गई, मीन्स क्या हो रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, बट हियर आर इज नथिंग बट इक्वल टू के, तो एम के स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या निकलेगी, के स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन एम, देयर फोर के इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन एम इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ इन सीजियस सिस्टम इट इज एक्सप्रेस, यूनिट जो है इसका क्या होता है, ये डिस्टेंस है, तो के का यूनिट क्या होगा, एम मीटर, और इसका डायमेंशन, और इस डायमेंशन मीटर का, यस एल वन एम जीरो टी जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि जहाँ से डिस्टेंस है मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये डिस्टेंस जो है जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो के होता है डिस्टेंस उस मास का जहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है मास का, तो वो डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर,
आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे के, के स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम, ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला गया, के का स्क्वायर है हमें के चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ये कहाँ चल जाएगा रूट में, तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, के इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाय एम इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आगे जाने से पहले रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद जो मेन टॉपिक है समझने के लिए वो है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सिंपल सा जो सुन रहे हैं वही है, सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पे सारे मासेस आके कलेक्ट होते हैं, जिसमें सारा कॉन्सेंट्रेट होता है सारा मास आके जहाँ, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मासेस इज द सिस्टम इज जीरो, और जहाँ पे आके सारे मासेस का जो समेशन है वो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस माइनस करके सब कॉन्सेंट्रेट होते हैं एक ही पॉइंट पर, और वो सेंटर ऑफ मास जो हो जाता है वो होता है जीरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस मीन्स पहले इसका थ्योरम देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा कि जो दिया है वो क्या होगा, चलो कुछ एग्जाम डायग्राम थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मोमेंट ऑफ पैरल एक्सिस का थ्योरम का फॉर्मूला है। नाउ दिस अ रिजिड बॉडी, ओके, नाउ फर्स्ट लाइन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास मीन्स दिस द एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स टू। यहाँ पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर की, ये मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब बॉडी इसके अलॉन्ग नहीं, इसके अलॉन्ग रोटेट हो रही है, तो उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना? पहले तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारे अभी देखिए हमें सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, जहाँ पे सारा मास आगे क्या हो जा रहा है जिसका समीशन इक्वल्स टू जीरो, ये एक सेंटर ऑफ मास है उस रिजिड बॉडी का। अब हमारी जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी, ये रोटेट हो रही है अलोंग दिस एक्सिस आई जीरो सेंटर ऑफ एक्सिस। यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, इसके जो पैरेलल एक्सिस में होगा वो प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास पूरे बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल एक्सिस। मतलब ये एक्सिस यहाँ नहीं, यहाँ लगा है इसके पैरेलल में, यहाँ तो यहाँ होगा, बस हमें क्या करना है उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, बाकी सब तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास पे जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए जो हम यूज़ करते हैं। बट ये सेंटर से नहीं रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है इसके पैरल एक्सिस के अलॉन्ग, तो उस टाइम पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा ये, और इसे हमें प्रूफ करना है। सिंपल सा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथ्स ही है पूरा। आप थोड़ा सा बेसिक मैथ्स भी फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए, जिनका मैथ्स नहीं है और जिनका है उन्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। यहाँ कंसिडर कर लिए एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रही है पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, मतलब इस एक्सिस से वो रोटेट हो रही है, यहाँ यहाँ पे वो रोटेट हो रही है, और ये हमने कंसिडर किए इस एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है यहाँ पर। ठीक है, लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड आई जीरो एंड आई सी आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अपॉन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी एंड ओ। सी से जो पास हो रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एंड ओ से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो। ये सब कंसिडरेशन है प्रूफ करने के। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डी एम एट पॉइंट डी, मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसका जो स्मॉलेस्ट हमने मास कंसिडर किए यहाँ पे तो वो है डी एम, जिसके अलॉन्ग हमें फाइंड आउट करना है। हेयर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सेस इज कॉन्स्टेंट, मीन्स एच इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये जो रोटेशन है ये चेंज, मतलब ये जो एक्सेस है ये दोनों के डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होने वाला, इसी के अलॉन्ग जो है ये रिजिड बॉडी जो है रोटेट होने वाली है, और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास एक्सेस ऑफ रोटेशन का रहेगा एच, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम डी एम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू ओ इज आई जीरो, और आई का फॉर्मूला आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है एम आर स्क्वायर। तो मास हमने लिए कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो मास है
डिस्टेंस जो रहेगा m वो क्या हो गया यहाँ पे dm, और r स्क्वायर, r मीन्स OD होल स्क्वायर डिस्टेंस, है ना। यही फॉर्मूले से हमने यहाँ पे इसको स्मॉलेस्ट मास के लिए इसलिए इसको अरेंज करके लिखे, तो ये हो जाता ओ डी स्क्वायर एंड डी एम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी स्क्वायर डी एम, और ये आई जीरो, यह इक्वेशन नंबर वन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ डी, मतलब आई जीरो को हमें प्रूफ करना है ना, आई जीरो इक्वल टू क्या प्रूफ करना है अपने को, ये आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ है पैरेलैक्सिस के लिए। देन कंसिडर ट्राइंगल ओ डी एन, ओ डी एन ट्राइंगल कंसिडर करो डायग्राम में से, देखो ओ ये डी एन, इसको अगर हम बाहर निकालें तो वो इस तरह से हो जाएगा ओ डी एन, ये डी ओ एन, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड, है ना, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। बट फ्रॉम फिगर ओ एन इज, यहाँ से एक और लाइन दिख रही होगी आपको सी, ओ एन इज नथिंग बट ओ सी प्लस सी एन, मीन्स क्या हो रहा है ओ सी प्लस सी एन, ओ एन की वैल्यू प्लस डी एन होल स्क्वायर एज इट इज, ना ओ सी प्लस सी एन होल स्क्वायर है, ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं होगा आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, देन क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ये जो बचा हुआ है डी एन स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगेन यहाँ पे ये ट्राइंगल है अपने पास डी सी एन, तो डी सी एन में डी सी या सी डी स्क्वायर भी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, है ना, या सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है सी डी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे इसकी जगह, देन वी गेट ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 OC into CN plus CD square, okay? तो ये OD की वैल्यू हम पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, एंड इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन इम्प्लाइज I जीरो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, OD की वैल्यू आ गई आपकी OC square plus 2 OC into CN plus CD square, और इंटीग्रेशन ये DM, यहाँ पे ये OD की वैल्यू पुट की और ये DM। नाउ अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको सेपरेट हो जाता है प्लस से, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल है कि प्लस से है, तो ये सपोज ऐसा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, देन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, है ना, ये सेपरेट हो गया, तो वही यहाँ पे सेपरेट करोगे, और ये ओ सी इज नथिंग बट क्या है एच विच इज़ कॉन्स्टेंट, ये ओ सी जो है इक्वल टू एच है और वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस भी कर देंगे, दैट मीन्स एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन टू एच सी एन डी एम प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डी एम, ठीक है, हमने सबको सेपरेट कर दी इंटीग्रेशन। नाउ एच कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा डी एम प्लस टू एच कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर सी एन डी एम प्लस, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा सी डी स्क्वायर डी एम। नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इक्वल्स टू क्या होगा, ये दिस आर दी टोटल सम ऑफ ऑल मासेस, वी राइट इट कैपिटल एम, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी एन डी एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई, बिकॉज ये सेंटर ऑफ एक्सिस का इंटीग्रेशन है, और यहाँ जहाँ पे टोटल मासेस क्या होती है ज़ीरो, इससे पहले हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस, ये क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स एच स्क्वायर इंटू एम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं प्लस टू एच इंटू ज़ीरो प्लस दिस सी डी स्क्वायर डी एम, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ओ डी स्क्वायर डी एम आई ज़ीरो है, तो सी डी स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस अलॉन्ग दिस एक्सिस क्या हो जाएगा आई सी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार ध्यान में बैठ गए कि बस एम आर स्क्वायर
वो उस मास की तरफ डिस्टेंस और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन दिस इज नथिंग बट आई सी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस अरेंज इट एच स्क्वायर एम प्लस ये पूरा हो गया जीरो प्लस आई सी, देयर फोर आई जीरो इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास। ये आ गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। वन टाइम इसे अच्छे से लिखिए, पढ़िए और फिर से एक बार वीडियो देख के इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसा डेरिवेशन आया है। सिंपल सा डेरिवेशन है, इजीली आपको हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिंपल सा एक थ्योरम हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ कुछ कंसिडरेशन है, कंसिडर रिजिड लैमिनर ऑब्जेक्ट एबल टू रोटेट अबाउट थ्री म्यूचुअली, जो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो सकती है, ऐसी रिजिड बॉडी हमने कंसिडर किए। एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो प्लेन में है रिजिड बॉडी के, और जेड एक्सिस जो है उस रिजिड बॉडी को परपेंडिकुलर है, और तीनों आगे कॉन्करेंट हो रहे हैं, जीरो पे मिल रहे हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट जीरो। नाउ हियर कंसिडर दिस, दिस पॉइंट इज कॉन्करेंट पॉइंट जहाँ पे तीनों एक्सिस आके मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया आर, जहाँ मास जो है डी एम, स्मॉलेस्ट मास हमने कंसिडर किए डी एम, और एक स्क्वायर शेप फॉर्म हो गया है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये अपोजिट होने की वजह से ये भी एक्स है और ये भी वाई है। नाउ कंसिडर एन स्मॉलेस्ट स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लैमिना, दिस ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास डी एम, ठीक है, सिचुएटेड एट पॉइंट पी, ठीक है। हमने ज्वाइन किए कंस्ट्रक्शन में ओ पी, वेयर ओ पी इक्वल्स टू आर। नाउ अब ये परपेंडिकुलर हो गए यहाँ से, ये जो ज्वाइन कर लिया हमने ओ एन ओ एल, तो यहाँ कंसिडर हो गए ओ एन इक्वल्स टू पी एल इक्वल्स टू एक्स एंड ओ एल इक्वल्स टू पी एन इक्वल्स टू वाई, और ओ पी इक्वल टू आर तो है ही, ये डायग्राम पे से हमें सब चीज़ें मिल गई हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ, ये जो रोटेट अभी तक जो देख रहे थे हम, ऐसे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है यहाँ से रोटेट जो हो रही है एक डी एम इस पर, तो क्या होता है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम देख रहे हैं तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ओ पी स्क्वायर इंटू डी एम, वेयर ओ पी स्क्वायर इज नथिंग बट आर, मीन्स आर स्क्वायर डी एम, ये परपेंडिकुलर आई जेड की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर वन। ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने देखे अबाउट एक्स एक्सिस, तो अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स दिस पी एन स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग जो है ये क्या हो रहा है पी एन स्क्वायर, देन पी एन स्क्वायर डी एम, पी एन स्क्वायर इज नथिंग बट वाई स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ये आई एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर टू। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में आई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी एल स्क्वायर डी एम, है ना, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग में पी एल स्क्वायर डी एम, वॉट इज पी एल एक्स मीन्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, ये आ गई आई वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एल, ओ पी एल ये ट्राइंगल को देखिए ओ पी एल, है ना, ये ओ पी एल ये कंसिडर कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ फिर से राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और वी गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस थ्योरम अकॉर्डिंग 90 डिग्री का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आई जेड इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर,
इक्वेशन वन इम्प्लाइज आई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। ना अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फार्मूला अगेन आई जेड हियर इंटीग्रेशन दोनों को भी क्या हो जाएगी सेपरेट डी एम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट इंटीग्रेशन आई एक्स स्क्वायर मीन्स आई वाई प्लस दिस आई एक्स। इसको अरेंज करोगे तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये तो हमें प्रूव करना था। हमें सिर्फ मेन क्या रहता है फिजिक्स में कि हमें डायग्राम्स कंसिडर करेक्टली होना चाहिए, स्पेशली हम नोटेशन लेते हैं। आपको पता है जब स्टार्टिंग में हमने सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़े हैं तो हमने बार बार कॉन्सेंट्रेट किए कि आपका डायग्राम करेक्ट रहेगा तो आपका सपोजिशन करेक्ट रहेगा, सपोजिशन करेक्ट रहेगा तो आपकी वैल्यूज जो पुटअप करोगे वो सही रहेगी। हमें तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था आई जेड आई एक्स आई वाई का, वो पहले हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। बट ट्राइंगल ओ पी एल इज़ ए 90 डिग्री ट्राइंगल, एंगल जो ओ है यहाँ वो कितना है 90 डिग्री है, तो वहाँ पाइथागोरस हमने अप्लाई किए तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में पुटअप किए, सेपरेट किए एंड हियर इज अवर प्रूफ। ओके राइट, थ्योरम प्रॉपरली लिखिए, लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे।